बीसीसीआई के फैसले से दोस्तों अब वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला दोबारा से होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि यहां पे अंपायर से मिली भगत से ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले पर कब्जा किया था। वहीं 140 करोड़ फैंस आज भी दोस्तों नाराज हैं वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल में दोस्तों बेईमानी के कारण से। इसीलिए बीसीसीआई ने दोस्तों कदम उठाते हुए कहा है कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला दोबारा से खेला जाएगा। और यहाँ पे ट्रेविस हेड ने एक बयान में खुद कहा कि वहां पे अंपायर्स की गलती थी, उनको यहाँ पे रिव्यू लेना चाहिए था, हमने यहाँ पे कैच छोड़ा था लेकिन हम यहाँ पे सेलिब्रेशन में रह गए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो कि रोहित शर्मा आउट हो गए थे, जो कि अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन के मुकाबले में, और इसी के लिए दोस्तों जो कि बीसीसीआई ने अहम सबूतों के बावजूद भी यहाँ पे दोबारा वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल का कराने के लिए निर्णय ले लिया गया है। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला दोबारा कराने के लिए दोस्तों निर्णय ले लिया गया है। अब कब और कहां खेला जाएगा दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कैसे करी थी भारतीय टीम से बेईमानी वर्ल्ड कप के मुकाबले में। तो देखिए भारतीय टीम उस दिन पहले बैटिंग कर रही थी वर्ल्ड कप के 19 नवंबर की रात, आप लोग भूल नहीं सकते, जहां पर बेहद अच्छे प्रदर्शन में दोस्तों बैटिंग कर रहे थे शुरुआती में दोस्तों कैप्टन रोहित शर्मा, और उनका जब यहां पे कैच ट्रेविस हेड ने दोस्तों पकड़ा था तो वहीं पे दोस्तों मिस्टेक रही थी, जहां पर अंपायर थर्ड अंपायर के पास नहीं गए और ट्रेविस हेड ने तो कैच पकड़ा था लेकिन वो सेलिब्रेशन में रह गए थे और वहां पे कोई भी नहीं देखा कि गेंद जमीन पर लगने के बाद उनके हाथ में जो कि पकड़ गए और उसके बाद वो सेलिब्रेशन करने लगे और वहां पे अंपायर ने आउट दे दिया था। वहां पर एक मिस्टेक हुई अंपायर से, जहां से दोस्तों पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने करी है बेईमानी। आपको पता हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में कितना बेहद ही अच्छा प्रदर्शन दोस्तों कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 240 रन बनाए वर्ल्ड कप के फाइनल के मुकाबले के दिन। और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों शुरुआती में तो हमारे भारतीय टीम के गेंदबाज ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को झटके दे दिए थे, 50 रनों के भीतर ही दोस्तों 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिरा गए थे हमारे भारतीय गेंदबाज दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने एक बेईमानी करी, जहां पर लाबुसेन दोस्तों आउट थे 28वें ओवर में, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर दोस्तों अंपायर्स कॉल्स नहीं रहने के कारण भारतीय टीम को विकेट नहीं मिला, जहां पर कैप्टन रोहित शर्मा डीआरएस और बुमराह भी डीआरएस यहां पे लिए थे, उनकी गेंदबाजी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों वहां पे विकेट हम लोग को नहीं मिला क्योंकि अंपायर्स कॉल नहीं था। अगर जो भारतीय टीम को विकेट मिलती तो मुकाबले दोस्तों कुछ और ही आपको नतीजे देखने को मिलते। इसीलिए दोस्तों बीसीसीआई ने इन सबूतों के बावजूद और ट्रेविस हेड के दोस्तों एक इंटरव्यू के बयान के जरिए अब दोबारा से कराया जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला। तो बहुत ही जल्द दोस्तों अनाउंसमेंट होने वाला कब और कहां आपका खेला जाएगा दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से जीती है हमारी भारतीय टीम से वर्ल्ड कप 2023 का किताब। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट्स करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना उसके ग्रुप में और दोस्तों को व्हाट्सएप पे फेसबुक को शेयर करिए, ताकि दोस्तों बहुत से जल्द आपका वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला कराया जाएगा। तो जय हिंद जय भारत।